नियम कानून ताक पर रख कर चल रहे अस्पताल और होटलों को जिला प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने 15 दिन के बाद ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने के आदेश दिए हैं जो नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। नियम कानून ताक पर रख कर चलने वाले अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एडीए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के साथ बैठक की थी। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी को निर्देश दे दिए गए कि नियम कानून के तहत अपने प्रतिष्ठानों को संचालित करें। जो अस्पताल बेसमेंट में चल रहे हैं उन्हें सील किया गया और जानकारी मिलने पर सील किया जाएगा। देखिए, विभिन्न इस प्रकार के जो केसेस हैं उनमें त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिस केस में के बारे में आप जानकारी चाह रहे हैं या बता रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी करके और ज़रूर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी हैं किसी भी केस में उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है उसे तेजी से जरूर कराया जाए। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने स्वीकार किया है कि आगरा जनपद में नियम कानून ताक पर रखकर बहुत से अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट संचालित हो रहे। उनके संज्ञान में भी आया है। उसी के मद्देनजर एडीए नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा, अवैध निर्माण को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण बेहद गंभीर है। समय समय पर एडीए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। 15 दिन के बाद अवैध रूप से चल रहे अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट सील किए जाएंगे। नियम कानून ताक पर रख कर अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट संचालित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आगरा विकास प्राधिकरण की मेहरबानी से तमाम ऐसे होटल, रेस्टोरेंट और अस्पताल हैं जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे। लेकिन जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की सख्ती के बाद अब ऐसा नहीं होगा। 15 दिन अल्टीमेटम की समय अवधि पूरी होने के बाद जिला प्रशासन का चाबुक अवैध रूप से संचालित हो रहे प्रतिष्ठानों पर जमकर चलेगा। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।